अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्टर्स डे। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कभी मैं कभी तुम ड्रामा में अदील का रोल अदा करने वाले अदाकार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनके बेटे की डेथ किस तरह से हुई, इनके कितने बेटे हैं, कितनी बेटियाँ हैं, उसके साथ साथ इनकी किससे शादी हुई और इनके ड्रामाज के बारे में आज मुकम्मल डिटेल बताएंगे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अदाकार इमाद इरफानी उर्फ अदील, जो कि कभी मैं कभी तुम ड्रामा के अंदर एक नेगेटिव रोल की वजह से पहचाने जा रहे हैं, ये 29 अप्रैल 1980 को पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 44 साल है। इनकी बर्थ प्लेस पेशावर पाकिस्तान थी और अब ये अपनी फैमिली के साथ लाहौर शिफ्ट हो चुके हैं। इन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज एक्टिंग से किया और इनकी एजुकेशन ग्रेजुएशन तक ही है। इनका रिलीजन इस्लाम है। इनका वेट 78 kg, इनकी हाइट 5 feet 11 inches। इनको बॉडी बिल्डिंग का बहुत ही ज्यादा शौक है। इनकी अच्छी फिजिक है और आप ड्रामा के अंदर इनकी पर्सनैलिटी और लुक्स को भी देख सकते हैं। इनकी नेटवर्थ तकरीबन 2 लाख रुपए है अप्रोक्सीमेटली। इमाद इरफानी ने बहुत सारे ड्रामाज के अंदर अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें कुछ फिल्म है जिसके अंदर चीख, जो तू चाहे, तुम से ही ताल्लुक है और 7 दिन मोहब्बत इन शामिल हैं। इन्होंने इंटरनेशनल मॉडलिंग और इसके साथ साथ फैशन शोज के अंदर भी हिस्सा लिया, जहां से इन्हें बहुत ज्यादा शोहरत मिली। बात करें इनकी बीवी के बारे में, तो इनकी बीवी का नाम मरियम शफात है, जो कि एक मॉडल से कम नजर नहीं आती। बात करें इनके बेटे के बारे में, तो इनके बेटे का नाम जावियार इरफानी है। दोस्तों आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि इमाद इरफानी के बेटे जावियार इरफानी की डेथ हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का इंकशाफ इमाद इरफानी की एक दोस्त शानजे शेख ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर किया कि इमाद इरफानी के बेटे की डेथ हो चुकी है और उनके लिए सूरह फातिहा शरीफ पढ़ी जाए और लवाहिकीन को सब्र अजीम अता हो, आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों ये थे कभी मैं कभी तुम में अदील का किरदार अदा करने वाले इमाद इरफानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।